नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं दो पुरानी साड़ियों का यूज़ कर एक फ्रिल वाली डबल बेड की बेडशीट बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पर मैंने एक चेक प्रिंट में साड़ी ली है और उसमें मैरून कलर थोड़ा मिक्स कर रहा है, तो प्लेन कलर की मैंने मैरून साड़ी का यहाँ पर यूज़ किया है। तो जो मैरून कलर की साड़ी है उसको मैं बेड के ऊपर, मीन्स बेड शीट के जो ऊपर है वहाँ लगाऊंगी, और फ्रिल के लिए मैं दूसरी साड़ी का यूज़ करूंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास, मैंने एक फ्रिल वाली बेड शीट बनाई थी, तो उससे रिलेटेड मेरे पास कमेंट्स आए थे कि दी जो हैंड से मैं आपने फ्रिल बनाई है वो थोड़ी टफ़ है, तो इजी तरीके से हमें फ्रिल बनाना बता दीजिए, और मशीन से इजी हो जाए तो उस तरीके का कुछ हमें बताइए। तो आज जो हम फ्रिल बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे मशीन से डायरेक्ट, उसमें हम हैंड स्टिच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले जो मेरे बेड की चौड़ाई थी मैंने साड़ी को रखा है, और उसी साइज़ में मैंने साड़ी को कट कर लिया है टू पार्ट्स में, चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से। तो चौड़ाई हमें इसकी बिल्कुल एज इट इज़, हमारा जो बेड का जो अपर वाला पार्ट है उतनी ही लेनी है, बिकॉज़ हमारे एंड से फ्रिल स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें लंबाई ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ हमारा जो बेड का साइज़ है उतनी ही लेनी है। उसके बाद हमें ये जो दो पार्ट्स हमने कट किए हैं इसको हम जोड़ लेंगे, और बेड के साइज़ का दोनों साड़ी को कट करके बेड के साइज़ का हम बना लेंगे, मीन्स जितनी हमारी लंबाई और चौड़ाई बेड की है उतना हमें कट करके इनको आपस में जोड़ लेना है। तो ये मैंने टू पार्ट्स करके आपस में जोड़ लिए हैं। तो अब बारी आती है फ्रिल की। तो फ्रिल के लिए फ्रेंड, सबसे पहले आप लंबाई ले लें कि आप कितने फ्रिल रखना चाह रहे हो। आप थोड़ी हाफ बनाएंगे या फुल फ्रिल वाला बना रहे हो तो लंबाई आप अच्छे से मेजरमेंट ले लें। तो फ्रिल तीन जगह लगेगी, तीनों साइड में। लास्ट वाला साइड हमारा जो ऊपर वाला साइड होता है बेड का, वहाँ नहीं लगती है फ्रिल, क्योंकि वो हमारा दबाना होता है, वहाँ फ्रिल का सिराना होता है बेड का, तो वहाँ हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अब फ्रिल के लिए मैंने दूसरी साड़ी जो ली है तो उसको मैं कर लूँगी फोल्ड। फोल्ड करने के बाद इसको टू पार्ट्स में कट कर लूँगी। पहले हम लंबाई देख लेंगे, जैसे हमारी आई थी 20 इंच, मेरी जो बेड की लंबाई थी, मेरी जो चौड़ाई थी वो 20 इंच आई थी, तो सेम 20 इंच का मैंने फैब्रिक फोल्ड किया है और इसको आपस में कट कर लूँगी, क्योंकि जो बेड है वो काफ़ी बड़ा होता है तो फ्रिल इसमें हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए हम अपनी साड़ी को फोल्ड करेंगे, और जितनी भी साइज़ की चौड़ाई आपकी आई है बेड की उतनी चौड़ाई के आप फ्रिल के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो मैंने टू पार्ट्स में साड़ी को कट कर लिया है, दोनों पार्ट्स को यहाँ से मैं जोड़ लूँगी और एक लंबी सारी स्ट्रिप बना लूँगी 20 इंच की। अब बारी आती है कि फ्रिल लगानी कैसे। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने डायरेक्ट फ्रिल नीचे गिराकर और हमने पिन की हेल्प से उसको फोल्ड कर, मीन्स अटैच कर लिया था, फिर हमने सिल दिया था। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। तो हमें सीधे वाला पार्ट अंदर की तरफ रखना है, फ्रिल वाले फैब्रिक को हमें बेड के ऊपर रख लेना है, मीन्स जो दूसरी साड़ी है वो हमने बेड पे बिछा ली है और उसके ऊपर हमने अपना फैब्रिक रखा है फ्रिल वाला, और हमने एक एक चुन्नटें डाली है और इसके ऊपर हमें चला लेनी है मशीन, और लास्ट में ये सीधा हो जाएगा और इस तरह से फ्रिल गिर जाएगी। तो आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप से हमें ऊपर की तरफ फ्रिल रखनी है और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसके साथ हमें फ्रिल अटैच करनी है। तो फ्रिल बस ऐसे ही हमें अटैच करनी होगी, जो सीधा वाला पार्ट होगा वो अंदर की तरफ होके दोनों कपड़े के कॉर्नर को हम पकड़ेंगे और एक एक फ्रिल हम डालते चले जाएंगे, और बाद में हम अपने कपड़े को बेड से नीचे की तरफ जब उल्टा कर लेंगे तो हमारी फ्रिल बनकर रेडी हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए हम अपनी फ्रिल को अटैच कर लेते हैं। जो हाथ से फ्रिल लगाना होता है वो काफ़ी टाइम लगता है, और उसमें बनाने में, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट जो मशीन से हम फ्रिल बनाते हैं उसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो देख लीजिए, हमने फ्रिल अपनी अटैच कर ले, कुछ इस टाइप से हमारी फ्रिल अटैच हुई है, दोनों के कॉर्नर को हमने पकड़ के फ्रिल लगा दिया। अब हम इसको जब नीचे की तरफ करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारी फ्रिल दिखाई देगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप और छोटी छोटी फ्रिल भी बना सकते हैं, जैसे कि हम हाथ से जब बनाते हैं तो हम छोटी छोटी फ्रिल बनाते हैं। चलिए पिलो कवर बना लेते हैं। मेन फैब्रिक रखना है पीछे के लिए, कवर के लिए दो पार्ट्स कट करने हैं और उसको आपस में सिल देना है। थोड़ा सा यहाँ से फैब्रिक को मोड़ लेना है। लीजिए, हमारा कवर बनकर रेडी है। पिलो कवर, कुशन कवर की मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको वॉच करनी है तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा।
तो हमने अपनी बेडशीट के साथ दो पिलो कवर बना लिए हैं जो कि मैच करते हुए मींस उसी साड़ी के फैब्रिक के हैं, और हमारी बेडशीट भी बनकर रेडी है। क्योंकि हमने हैंड से फ्रिल नहीं बनाया है तो हमें इतना टाइम यहाँ पर नहीं लगा है। अगर हम हैंड से फ्रिल बनाते हैं, जो हाथ की फ्रिल होती है उसको बनाने में टाइम लगता है, बट वो छोटी छोटी और काफ़ी सुंदर दिखती है। बट ये वाली जो मशीन से हम फ्रिल बनाते हैं ये भी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो लीजिए हमारी बेडशीट बनकर रेडी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।